शांतिनाथ भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ शरण प्रभु आप परम शरण प्रभु आप श्री अचिरानंद मान आनंद वरताओ। श्री श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर ओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर तीन लोक से श्री विश्वसन कुल भान आनंद वरता। श्री विश्वसन कुल भान आनंद वरता। श्री शांतिनाथ भगवान सुख संपत्ति पावे सदा। सुख संपत्ति पावे यो धरे आप रो ध्यान आनंद वर। यो धरे आप रो ध्यान श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर ओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर दान शेठ साचे सुवान वाजं वरंति तवे सुवाउतम बंभचेरं लो आराध्य गुरुदेव के सान्निध्य में चातुर्मास कल्प चल रहा है। चातुर्मास कल्प की उपलक्षण में
जिनेन्द्रवाणी जिनवाणी आगम का विवेचन यहाँ पर चालू है, उसी का आप लोग लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पर शास्त्रकारों ने जो जीवन के दुर्लभ चार अंग बतलाए हैं उनका विवेचन चल रहा है। उसमें सबसे पहले तो ये कहा गया, बहुत से उदाहरण के माध्यम से शास्त्रकारों ने समझाया कि मानव का शरीर मिलना भी बहुत ही मुश्किल का काम है। बहुत लंबे समय तक अकाम निर्जरा करते करते, क्योंकि कोई भावना तो होती नहीं है, समझ तो होता नहीं है, अकाम निर्जरा करते करते अनंता काल तक भटकते भटकते वहीं जाकर के मानव का शरीर इस आत्मा को, इस जीव को उपलब्ध होता है। और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी धर्म का सुनना, ज्ञानियों के वचन सुनना, सद्गुरु का मिलना, सद्गुरु का उद्बोधन प्राप्त होना, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होना, सत्संग मिलना, ये बहुत ही कठिन काम है। इस दुनिया में अरबों की संख्या में मनुष्य हैं, लेकिन आते हैं सिर्फ शरीर की चिंता करते हैं, शरीर की आवश्यकताओं को जानते हैं, उन्हीं पांचों इंद्रियों के विषयों के पीछे भागते रहते हैं और उसी में उनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ सुनने का, जानने का, चिंतन करने का तो उनको मौका ही नहीं मिलता। हिसाब लगा करके देख लो कितने लोग हैं जो धर्म कर्म के अंदर भाव रखने वाले हैं और सुने भी ना, ज्ञान नहीं होता, जानकारी नहीं होती, और सुने भी ना। शास्त्रकार कहते हैं किसी भी प्रकार की आत्म परमात्मा का ज्ञान ही नहीं होता, करना क्या है, नहीं करना क्या है, छोड़ना क्या है, ग्रहण करना क्या है, आदेय है, उपादेय है, त्याज्य है, क्या इसका उसको भान ही नहीं रहता, जानकारी नहीं होती। बाय द वे ये सुनने का मौका भी मिल गया तो भी शास्त्रकार आगे कहते हैं सुंच लंदो संदंच आच समण लंदु सधा परम दुल्ला सोचाने आउयम मगम बहवे परिभसई। पुण्य के योग से, पुण्यवानी के योग से अपने सद्गुरुओं का समागम भी हो गया, सत्संगत का लाभ भी हो गया, ज्ञान भी हो, जानकारी भी बहुत सी चीजों की हो गई, सुना भी, लेकिन श्रद्धा परम दुर्लभ, उसके ऊपर श्रद्धा होना तो बहुत ही उससे भी दुर्लभ। आत्मा परमात्मा की बात सुनना फिर भी बड़ा आसान है, लेकिन उसके ऊपर श्रद्धा करना बड़ा कठिन काम है। भगवान महावीर सामने वो ज्ञानी थे, अनंत ज्ञानी थे, उन्होंने बतलाया जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हारे को मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर हमारी श्रद्धा कहाँ इतनी रहती। वो बतलाते हैं जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, सुनते तो हैं लेकिन अटूट श्रद्धा उसके अंदर हो नहीं पाती। चलो इसमें भी फिर भी हम समझ लें,
लेकिन भगवान कहते हैं जो कुछ तुमने किया है तुम्हारे कर्म ही उदय के अंदर आने वाले हैं, कोई दूसरा तुम्हारी को तकलीफ देने वाला नहीं है। इसके ऊपर कितनी श्रद्धा हमारे अंदर रहती। हम तो हर पल हर क्षण किसी दूसरे को अपने दुख का कारण मानते हैं। मेरा भाई दुख का कारण है, मेरी बहन दुख का कारण है, कोई बात मेरे माता पिता दुख के कारण है, माता पिता सोचते हैं बच्चे दुख के कारण हैं, पत्नी दुख का कारण है, पति दुख का कारण है, अड़ोसी पड़ोसी दुख के कारण है, हमारे दुश्मन दुख के कारण है। हम तो हमेशा ही शुरू से लेकर के आखिर तक जो भी तकलीफें आती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, उसमें किसी को दूसरे को ही दुख का कारण क्या करते हैं समझते हैं। श्रद्धा कहाँ से आती? भगवान कहते हैं कोई तुम्हारे को तकलीफ देने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई तुम्हारे को तकलीफ दे नहीं सकता। वो कहते हैं ज्ञान से बतला रहे हैं, सच ये है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, उसके कर्म का निमित्त ही क्या कर सकता है, बन सकता है। इसलिए किसी के प्रति भी दुश्मनी का भाव मत रखो। अगर इस ज्ञान के ऊपर हमारी कुछ श्रद्धा कितनी होती है, एक पैसे भर भी श्रद्धा नहीं होती तो श्रद्धा का आना, विश्वास का आना, ये तो इतना कठिन काम है, इतना कठिन काम है। शास्त्रकार कहते हैं दुर्लभ, ये तो दुर्लभ। हम लोग सुनते इतना है लेकिन श्रद्धा कहाँ आती? श्रद्धा पैदा नहीं होती। और श्रद्धा के बिना हम आत्मा की तरफ यात्रा नहीं कर सकते, अंतर यात्रा, जीवन की यात्रा। श्रद्धा के बिना हमारे आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कभी हमारे को क्या कर सकता, हो नहीं सकता। और हमारा जीवन क्या है, हमारी आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, हम सुनते हैं लेकिन ऊपर श्रद्धा कहाँ होती? देखो आत्मा के लिए शास्त्रकार ने क्या कहा, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु से भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का बासी है। मृत्यु से भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। यानी अपने आत्मा के लिए कहता, अपने जीवन के लिए कहता। उनका तू तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु है, तू तो परमात्मा का रूप है, तू तो अद्भुत शक्ति संपन्न है, तू तो अजर अमर है, कभी विनाश होने वाला ही नहीं है, तेरा विनाश दुनिया के अंदर कोई कर ही नहीं सकता। अब ये ज्ञान की बात है, हमने गुरुओं से सुना, पड़ोसी से सुना, सत्संग से सुना, पढ़ा, शास्त्रों से सुना, लेकिन ऊपर श्रद्धा कहाँ होती? सुन तो लेते लेकिन श्रद्धा कहाँ होती? जहां श्रद्धा विश्वास की बात होती है वहां पर एकदम हम लोग खेल के आकर जाते हैं, हो जाते हैं, वहां पर पास नहीं होती। अपना स्वरूप ही क्या है, अपना जीवन ही क्या है, अगर ये चिंतन करते रहें, ज्ञान करते रहें, तो उसी बात को बड़े अच्छे शब्दों में शास्त्रकारों ने रखा है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्म में वह भी तू नहीं है, जो जन्म
है भी तू नहीं है, खुद गल का मिलना भी छोड़ना है, खुद गल का मिलना भी छोड़ना है, तू खुद गल नहीं अविनाशी है, खुद गल का मिलना भी छोड़ना है, तू उठ जाग मेरे चेतन प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है, उठ जाग मेरे चेतन प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी, तू सहजानंद शोभावी स्वभावी है, आनंदमय त्रिकाल सदा, आनंदमय त्रिकाल सदा, नहीं रोग शोक दुख द्वंद यहाँ, नहीं रोग शोक दुख द्वंद यहाँ, तू मोह विनाशी है, उठ जाग मेरे चेतन प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है, उठ जाग मेरे चेतन प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी, तू साक्षी है, तू ज्ञाता द्रष्टा साक्षी है, राग देश तेरा शोभाव नहीं, राग देश तेरा शोभाव नहीं, ममता में क्यों रमण करे, ममता उठ जाग मेरे चेतन प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है, उठ जाग मेरे चेतन प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी। इस भजन में ये आत्मा के स्वरूप का ऐसा गहरा ज्ञान दिया, हमारी अपने जीवन का, अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का बहुत ही गहरा सुंदर इसके अंदर वर्णन किया है, और हम लोग सुनते हैं सुनाते हैं अच्छा लगता है, आप लोग सुनते हैं तो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन बंधु जो इसका अर्थ है, जो इसके भाव हैं, जो ये समझाना चाहते हैं, उसके ऊपर अटूट श्रद्धा क्या करते हैं, जब कष्ट आता है हम भूल जाते हैं, जब अनुकूलता प्रतिकूलता आती है हम भूल जाते हैं, जब लोग आ जाता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, जब जरा सी सहन करने वाली बात आती है वहाँ पर सब कुछ भूल जाते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर जो सुनी हुई बात के ऊपर जो हमारे को अच्छी भी लगती है, सुंदर भी लगती है, लगता है भाई बात तो बिल्कुल ये ठीक सही है, बात तो बिल्कुल सोलाने सही है, लेकिन उसके ऊपर श्रद्धा कहाँ रहती है, श्रद्धा नहीं रहती। माँ बाप के ऊपर हम आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन कभी कोई उल्टी सीधी बात कर दे तो हमारी श्रद्धा भक्ति सब खत्म हो जाती है। हम गुरुओं का गुणगान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, अभी कोई ऐसा उल्टा सीधा प्रसंग आ जाए तो उनके प्रति श्रद्धा जो होती है वो भी खत्म क्या कर जाती हो जाती,
गुरु के ऊपर क्या, परमात्मा को सुबह शाम याद करते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, हमारा ये काम कर दो, ये काम कर दो। और हमारे को अनुभूति हुई हो जाती है भगवान की कृपा से हमारा ये सब कुछ काम क्या कर गया, हमने माला फेरा तो ये काम हो गया, हमने सूखना सूखा तो ये काम हो गया, हमने ऐसी बात मांगी तो प्रभु कृपा से मिल गई। इतना हम उनके गुणगान करने वाले, जरा सी कभी प्रतिकूलता हो गई तो उसके प्रति श्रद्धा ही हमारी खत्म हो जाती है, हम उसी भगवान को गाली देने लग जाते हैं, उसी को कहते हैं मेरा क्या दोष है, मेरे को इतना कष्ट दिया तो, पड़ोसी को इतना दिया मेरे को क्यों नहीं दिया, ये भेदभाव करता है। पता नहीं कितने गुलाने, कितने गालियां, कितनी शिकायत इंसान परमात्मा से ही क्या करता है, बहुत बार अनुभव भी कर लेता है, हमने भगवान का नाम लिया बचाव हो गया, भगवान का नाम लिया जान बच गई, भगवान का नाम लिया माल बच गया, भगवान का नाम लिया हमारा रुका हुआ काम हो गया, लेकिन जरा सो के उल्टे सजे काम हो जाए तो सारी श्रद्धा खत्म हो जाए। इसलिए यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आहत श्रवणम लग, बहुत अच्छी तरह से सुनने के बाद, बहुत अच्छे से अच्छा सत्संग करने के बाद, अच्छे से अच्छे गुरुओं के संपर्क में रहने के बाद, अच्छी से अच्छी बात सुनने समझने के बाद भी श्रद्धा परम दुल्ला, उसके ऊपर श्रद्धा बनाए रखना बड़ा ही कठिन काम क्या करता है। और श्रद्धा के बिना कोई भी आत्मा की यात्रा कर नहीं सकता, वो आंतरिक यात्रा कभी नहीं कर सकता। श्रद्धा के बिना, सम्यक दर्शन के बिना हमारे अंदर की यात्रा कभी शुरू हो ही नहीं सकती। श्रद्धा कैसे कैसे होनी चाहिए, कभी कभी किसी की होती भी है, और ऐसी गहरी श्रद्धा आ जाए तब जाकर के इंसान भगवान के चरणों में पहुंच सकता है, क्योंकि साधना मार्ग के ऊपर तो बड़ी कठिनाइयां क्या करती हैं आती हैं। एक श्रद्धा का एक रूप हम देख लेते हैं, एक सन्यासी चले जा रहे हैं, बड़े पहुंचे हुए सन्यासी अपने चेले के साथ जा रहे हैं, गुरु चेला चले जा रहे हैं। सन्यासी बड़ी साधना करने वाले थे, उनको साधारण मन पर्याय ज्ञान हो गया, ज्ञान होते हैं मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान ये होता है, मन पर्याय ज्ञान भी दो प्रकार होता है, कई प्रकार साधारण मन पर्याय ज्ञान होता है। मन पर्याय ज्ञान जिसको होता है तो दूसरे के मन की बात क्या कर लेता है, समझ लेता है। जैसे कोई सामने बैठा हुआ, अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको मन पर्याय ज्ञान हुआ तो अगला मन में जो बोले वो हमारे को समझ में आ जाता, उसको वचन से बोलने की जरूरत है। अगला मन से जो बोले, वो मन में जो सोचे, मन में जो चिंतन करे, वो हमारे को सामने बैठे बैठे पता लग जाता है ये आदमी ये सोच रहा है। इसको कहते हैं मन पर्याय ज्ञान। एक विशेष होता है, एक साधारण होता है, एक कभी आता है चला जाता है, साधना करने से, तपस्या करने से, भक्ति करने से, ऐसे करने से कभी कभी साधकों को मन पर्याय ज्ञान साधारण रूप से भी क्या कर जाता है। सन्यासी थे, सारी जिंदगी उन्होंने तप जप के अंदर लगा लिया था, सेवा में लगा लिया था, और निष्फिक्र रहते थे, अकेले रहते थे। एक चेला उनका आया, वो चेले ने कहा भी आपका मैंने शिष्य बनना है, वो भी साथ में हो लिया। कई वर्षों से रह रहा था और उसको अपने गुरु के प्रति अच्छी श्रद्धा भक्ति थी, उन्होंने देखा चलो ये अच्छा है, इसको रख लेते हैं। अब गुरु चेला जा रहे थे, जंगल में होकर के जा रहे थे, बियाबान जंगल था पूरा, बियाबान जंगल, और उस जंगल से होकर के जैसे जा रहे थे, तरह तरह के पशु पंछी चीते, ऐसा बियाबान जंगल, दूसरे प्रदेश के अंदर जाना था, जंगल को पार करके जाना था। जाते जाते काफी थक गए, और जो भोजन पानी कहीं मिला था वो भी उनका निमट गया, भूख प्यास भी लगी, थकावट भी बहुत हो गई, और एक जंगल के बीच में ही कोई चबूतरा सा बना हुआ था, उसमें सोचा चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, थकावट बहुत हो गई। गुरु ने देखा चेला भी थक गया, ये भी थक गया, उन्होंने कहा बेटा चलो यहाँ आराम कर लेते हैं।
थोड़ा आराम कर लेते हैं और आराम करके यहाँ से आगे क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। अब जो आराम करने के लिए कहा भाई तो शवासन करके आराम से सो जा, और जो क्योंकि योग निद्रा में सोते हैं तो नींद जल्दी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। वैसे उल्टा सीधा सोते हैं तो बात अलग है। अगर शरीर को शिथिल करके योगासन जिसको शवासन कहते हैं, योगासन का अभ्यास करके अगर हम शरीर को पूरा सिर से लेकर के पैर तक हर अंग को शिथिल करके अगर सोते हैं तो हमारे को एक घंटे सोने से जो जो शक्ति मिलती है वो 5-7 मिनट सोने से वो शक्ति क्या कर जाती है, आ जाती है। उसको कहते हैं योग निद्रा। साधक लोग योग निद्रा करते हैं, योग निद्रा करते हैं इसलिए 9 बजे 10 बजे सो जाएंगे तो 2-2.5 बजे तो उठ जाएंगे और उतने फ्रेश उठेंगे, वो सारी शक्ति उनकी लौट आती है। 18-18 घंटे काम करते हैं, 21-21 घंटे काम करते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात ले लो, वो कहते हैं मैं बराबर क्या करता हूँ, काम करता हूं, लेकिन वो 2-3 घंटे सोएंगे, 2-3 घंटे में जो शिथिलीकरण से सब जो निंद्रा से शवासन से शरीर का शिथिलीकरण करके योग निंद्रा से अगर कोई योगी सोता है तो घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में उसकी पूरी नींद पूरी क्या कर जाती हो जाती। और एक आदमी 6-6 घंटे सोता है, 8-8 घंटे सोता है, 10-10 घंटे सोता है, फिर भी आंखें मसलता रहता है, सुस्ती आती है, उसकी सुस्ती क्या करती है, तो योगी थे। तो उन्होंने अपने चेले से कहा बेटा आराम करना, आराम करके चलेंगे तो योगा निद्रा के अंदर क्या कर सो जा, अपने शरीर को शिथिल करके योग निद्रा के अंदर सो जा और आत्मा आराम करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब जैसे चेला सो गया, गुरुजी के साथ था, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं थी, और चारों जंगल था, हरियाली थी, बड़ा अच्छा मौसम था, वो जो थका हुआ था वहाँ सो गया, जिस समय सो गया तो गहरी निंद्रा उसको क्या करके आ गई, लेकिन गुरु जी को नींद नहीं आई, उनको कुछ हुआ तो इस समय सोने का नहीं था, कुछ उनका मन नहीं किया सोने का, थके हुए तो वो भी थे, लेकिन उन्होंने सोचा भी यहाँ सोना ठीक नहीं, ऐसे एकदम ऐसे सोना ठीक नहीं। तो थोड़ी देर तो लेटे लेकिन नींद नहीं आई, उनके मन के अंदर विचार आया, क्योंकि महापुरुषों के मन में ऐसे विचार जैसे आते हैं तो भविष्य में जो होना है कुछ करना है पहले विचारों में क्या कर जाते हैं, उनके मन के अंदर आया सोना ठीक, वो उठ करके बैठ गए। और उठ करके जिस समय बैठे तो उन्होंने उधर से जंगल से झाड़ी के बीच में से एक भयंकर काला नाग आता हुआ क्या किया दिखाई दिया, भयंकर नाग, जहरीला नाग, वो काला नाग उधर से आता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि संतों का मन बोलता, संतों की आत्मा बोलती, साधकों की आत्मा बोलती, वो कहते हैं ये करें या ना करें, ये कहें या ना कहें, ये बोले या ना बोले, ये होगा या नहीं होगा, उनकी आत्मा कह देती है तो हो जाता है और नहीं कहे तो नहीं होता। तो उनको नींद नहीं आई, भाई यहाँ पर सोना नहीं चाहिए, सोने का समय नहीं। तो उठ करके जैसे बैठे और थोड़ी देर में देखा भयंकर काला सांप उधर से क्या कर रहा, तो सांप आ रहा, और ये जंगली सांप है, भयंकर सांप है, और सांप भी अगर वो क्रोध में है तो जंगली जानवर या जंगली सांप उनकी तो रफ्तार इतनी होती है हम भाग कर से तो उनसे बगैर से बच नहीं सकते। उन्होंने वहीं पर ध्यान लगाया, जो जाप करना था जो भी करना था किया, उसकी सामने करके उसको रोकने के लिए उन्होंने एकदम सामने होकर के ध्यान करके उनको वहां पर रुकने का क्या किया, ये रुक जाए वहीं पर, अब ऐसा आएगा तो ऐसा आएगा, रुक जाए और यहां से चला जाए। लेकिन जब भी ऐसा ध्यान करते थे
अगर किसी को इशारा करते तो कोई भी जंगली जानवर, कोई भी बिच्छू वगैरह उनका चला जाता था, लेकिन वो सांप वहां से टस से मस नहीं हुआ, बराबर वहीं पर क्या हुआ, खड़ा रहा। तो गुरु सोचने लगे बात क्या, अगर कभी भी जंगल में रहते हुए, गुफा में रहते हुए कभी ऐसे जीव जंतु आते हैं, कोई जंगली जानवर आते हैं, तो मैं इस क्रिया का प्रयोग करता हूं तो अपने रास्ते क्या करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मैंने आंखों को भी मिलाया और वो क्रिया भी करी, लेकिन इसको रोकने की चेष्टा की, यहां से भगाने की चेष्टा की, भागा नहीं, बराबर वैसे ही खड़ा है। उन शब्दों से भी कहा, नागराज चले जाओ यहां से, लेकिन बराबर खड़ा रहा हो, ये उसका लगता था इसने इधर ही आना। तो वो सन्यासी थे तो उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग लगाया, जो सामान्य ज्ञान होता उसका उपयोग लगा, उनका जो सामान्य मनप्रयाय ज्ञान था उसका उपयोग लगाया, ये सांप क्या कह रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, ये क्या कहना चाहता है, इसके मन के अंदर क्या विचार है। जिस समय उन्होंने उस साधारण जो लब्धि के रूप में मनप्रयाय ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका जैसे प्रयोग किया और प्रयोग करके देखा, क्योंकि सांप भी पचेंद्रिय प्राणी है, जिस समय देखा तो सांप कह रहा है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे शिष्य को छोड़ूंगा नहीं। सांप की भाषा, क्योंकि मनप्रयाय ज्ञान है, मनप्रयाय ज्ञानी अगले के मन की बात को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो उन्हें पूछा, उन्हें कहा तुम्हारे साथ मेरा कुछ नहीं, तुम हट जाओ, तुम यहां से हटो, मैं इस व्यक्ति को, तुम्हारा जो शिष्य है इसको मैंने जिंदा क्या करना नहीं छोड़ना। इसने मेरे साथ पूर्व जन्म में बहुत गलत काम किया, इसने मेरा खून किया है, इसने मारा है, मेरे को तकलीफ दी है, और आज मैं बदला लेने के लिए आया हूं, और इसको मैं किसी भी कीमत के ऊपर क्या कर सकता, छोड़ नहीं सकता। उस सन्यासी ने अपने मन मन से ही प्रार्थना की, सांपराज क्षमा कर दो, अब तो सन्यासी हो गया है, ये बैर को ऐसे कैसे बढ़ाते रहोगे, आज तुम ऐसा करोगे कल फिर ये तुम्हारे को मारेगा, फिर तुम इसको मारोगे, ऐसे बैर का बंधन तो तुम्हारा चलता रहेगा, इसलिए अब क्षमा कर दो। उन्हें कहा नहीं, क्षमा नहीं कर सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, आज मिला है बदला लेने का समय, मैं इसको क्या कर सकता, छोड़ नहीं सकता। उस गुरु ने कहा सांप राज कुछ तो मेरी बात समझ गया, इसको तकलीफ तो देना है तुमने, अगर इसका खून तुम्हारे को दे दूं, इसका खून कर लो, जैसे तुम्हारा इसने खून किया है, तुम्हारे को मारा है, तो इसका खून पियोगे, खून पियोगे, वो गए कहता मैं इसका खून पीऊंगा, खून पियोगे तो तुम चले जाओगे यहां से। उन्हें कहा ठीक है, इसका खून तो मैं पी करके जाऊंगा, मैं बदला लेकर के जाऊंगा, लेकिन खून पिए बगैर मैं क्या कर सकता, जा नहीं सकता। उन्हें कहा उसमें एक रास्ता है, इसका खून मैं खुद तुम्हारे को देता हूं, उससे भी तुम्हारे को शांति हो जाएगी ना, जब अगले का खून ही पीना है, अगर इसका खून मिल जाए तो शांति हो जाएगी ना, इसका खून पियोगे तो शांति हो जाएगी, तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। और संत की बात थी, उसने कहा ठीक, इसका खून मेरे को दे दो। और वो सन्यासी ने देखा कि इसका खून क्या करना है देना, और खून नहीं देते तो इसको मारेगा, जहर चढ़ेगा, ये काटेगा तो जहर चढ़ेगा, ये आदमी कभी जिंदा नहीं रह सकता, ये भयंकर सांप है, लेकिन खून देकर के तो इसको क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो उन्होंने जो कपड़ा लिया, और उनका शिष्य पूरा सोया हुआ था, एकदम गहरी नींद में सोया हुआ था, तो गुरु ने उसके पैर बांधे, नींद में कभी कभी पता नहीं लगता, बच्चे को उठा करके वहां से वहां ले जाते हैं, नहीं पता लगता,
कभी कभी बच्चों जैसे नींद आ जाए तो कुछ भी हो जाए फिर भी हिलाओ डुलाओ तो भी पता नहीं लगता। उन्होंने उसके पैर को क्या कर लिया, बांध लिया, और उसके हाथों को भी कस के क्या कर लिया, बांध लिया। पहले देखा गहरी नींद में, उसके पैरों को बांधा शिष्य के पैरों को बांधा और उसके हाथों को बांधा, और एक चाकू उनके थैले में पड़ा हुआ था वो चाकू उन्होंने निकाला, और ये पत्ते का जो पत्ते तोड़ करके उसका दोना बनाया, पत्ते तोड़ करके उसको जो पानी वगैरह दोने होते हैं ना, दोने के अंदर खाते पीते हैं सब चीज, तो दोना तैयार किया और दोना तैयार करके वहां पर रखा। और उन्होंने सोचा भाई इसके खून को तुमने क्या करना, उन्हें इसका जीत था, इसके गले का खून मैंने पीना। उन्हें कहा तुम्हारे को गले का ही खून देता। तो गुरु ने देखा पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, और खुद जो अपना धोती कस करके, अब क्योंकि कुछ भी हो सकता था इस समय, अब चेला भी तगड़ा था, तो उसके ऊपर, उसके पेट के ऊपर, उसके ऊपर क्या करके बैठ गए। उन्होंने बैठ करके, उसके ऊपर बैठ करके उसके गले के अंदर चीरा लगाया, उसके गले में उस चाकू से उस संन्यास ने उसके गले के अंदर चीरा लगाया। अब चीरा लगा करके जैसे जहां से नस आना था, जहां से खून निकलना था, वो देख करके चीरा लगाया, और चीरा लगा करके जैसे ही चीरा लगाया, क्योंकि इधर उधर एकदम लगाने से तो खून आता नहीं, नस में लगाने से खून क्या करता है, जो खून लेने वाले आते हैं टेस्ट करने के लिए देखते रहते हैं ना कहीं नस मिले, नस न मिले तो थोड़ा सा भी खून नहीं निकलता। खून तो सब जगह होता है लेकिन हर जगह खून निकालने के लिए नहीं मिलता, नस में लगाना पड़ता है। तो नस जो यहाँ की नस थी उस नस को काटा और खून की धारा भई, तो दोना भरा और उसको पिलाया, या दोबारा दोना भरा फिर उसको पिलाया, फिर दोना उसको हाथ से दबाया, फिर उसको दोना भरा, फिर उसको क्या किया पिलाया। तीन बार खून पीने के बाद वो सांप प्रसन्न हो गया, उसने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर दी, मैंने अपने दुश्मन का बदला ले लिया, उसका खून पी लिया, मैं प्रसन्न हूं, मैंने दोष का बदला लेना था ले लिया। उस सांप को उस साधु ने, उस सन्यासी ने कहा अब तुम प्रसन्न हो, अब तुम जा सकते हो। उस सांप वहां से क्या कर गया, निकल गया। इन्होंने जो पट्टी वगैरह थी, जो जड़ी बूटी वगैरह ली, और जड़ी बूटी वगैरह ले करके उसका थोड़ा रस वगैरह उसको हाथ में घिसकाश करके उसको मल करके उसके गले में लगाया, उधर से कपड़ा जिस समय बांध दिया, कपड़ा बांधने के बाद उन्होंने हाथ खोले, हाथ खोलने के बाद पैर खोला, पैर खोलने के बाद सब पहले जैसे रिलैक्स सब कुछ हो गया, फिर आराम से वहां पर क्या हुए बैठ के वो सोचते हैं ये कुंभकर्ण है या आदमी। गुरु जी सोचते हैं ये आदमी कुंभकर्ण है या आदमी, अरे मैंने तो सोचा था आय तुला मच्छे की बात ऐसी होगी, मैंने तो इसलिए बांधा था, लेकिन इसकी तो नींद ही नहीं खुली। उन्होंने पूछा बेटा, अरे भाई शिष्य का नाम लेकर के उठाया, अरे उठ भी जा, कितना टाइम हो गया, अरे जाना भी है, यही जंगल के अंदर पड़े रहेंगे क्या, अभी तक तेरी थकावट नहीं उठ, अरे उठ तो जा तू। अब जिस समय उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा, बड़े प्रेम से उठाए, बेटा उठ तो जाओ, बहुत देर हो गई, अब तो बहुत टाइम हो गया, जाना भी है, कितने देर सोओगे, उठ तो जाओ। हाथ दो तीन बार फेरा तो उसने आंखें खोली, आंखें खुली तो आंख से श्रद्धा के आंसू बह रहे थे। उठा, उठ करके बैठा, आराम से बैठा, उठ कर उसने इधर उधर कहीं हाथ नहीं लगाया, कुछ देखा। गुरु जी कहने लगे बेटा तू बड़ी गहरी नींद सोता, जो कुछ आज हुआ और जो कुछ बात हो गई तेरे को कुछ पता ही नहीं लगा, तेरी नींद ही नहीं खुली, इतनी गहरा सोता है तेरे को पता ही नहीं लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा गुरु जी मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। क्या पता, सांप आया पता, मैंने सांप को कुछ पता,
सांप से मेरी बातचीत हुई तेरे को पता? ना ना, सांप सुंप का मेरे को कुछ पता नहीं। फिर क्या पता? तने स्वप्न में सांप वगैरह देखा? नहीं, वो भी कुछ नहीं देखा, वो कुछ पता नहीं है। फिर पता तेरे को क्या? उन्हें कहा पता मेरे को आंख मेरा हाथ बांध रहे थे ना, जब मेरा हाथ कस करके बांध रहे थे तो उस समय मेरी निंद्रा टूट गई थी, तो पैरों में बांधा। तो उन्हें कहा उसका मेरे को पता नहीं, पैरों में कब बांधे कब उसको रस्सी बांधे ये मेरे को कुछ पता नहीं, तब मैं नींद में था। और जिस समय आंख में मेरे हाथ बांध रहे थे उस समय मेरी नींद क्या कर गई थी, खुल गई। मैंने जरा सा नींद खुली, अरे क्या बात है, हाथ कौन बांध रहा, हाथ बांधने वाला कौन है। मैंने जरा सा आंख खोल करके देखा तो आंख मेरे हाथ को कस करके क्या कर रहे थे। तो मैंने सोचा मेरे गुरु जी, अब ये मेरे गुरु हैं, ये तो मेरा बुरा कभी कर नहीं सकते। अब क्या कर रहे हैं ये भी मेरे को पता नहीं, क्यों बांध रहे हैं ये भी मेरे को पता नहीं, क्यों बांधने की जरूरत पड़ी ये भी मेरे को पता नहीं है। लेकिन ये मेरा अहित तो कभी जिंदगी के अंदर क्या कर सकते, इसलिए मैं चुपचाप पड़ा रहा। ऐसे बिल्कुल चुपचाप जैसे गहरी नींद में होते हैं वैसे ही पड़ा रहा। और आंख को दोना बनाया वो भी मेरे को पता, वो जो आंख ने अब मेरे शरीर के ऊपर जब चढ़ गया और चढ़ करके बैठे तब भी मेरे को पता। और जिस समय वो चाकू मेरे गले में लगा एक बार तो मैं सोचा ये क्या, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरा गुरु है, ये मेरा गुरु है, इसको मैंने जीवन दिया है, इसको मैंने समर्पण किया है, ये मेरा अहित तो कभी जिंदगी के अंदर नहीं कर सकता, ये मेरा अहित तो कभी नहीं कर सकता। जिस समय चीरा लगाया वेदना तो बड़ी भयंकर हुई, वेदना तो इतनी हुई, तरस गया मैं वेदना से, लेकिन मैंने शरीर को जरा सा भी नहीं हिलाया कि अगर हिला लूंगा तो आंख के कार्यक्रम में बाधा क्या कर जाएगा। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको उस काम करने में बाधा ना पड़े इसलिए मैंने जो वेदना थी उसको सह लिया, पूरी तरह से सह लिया, शरीर को जरा सा भी हिलने नहीं दिया। खून निकाला, कांटा मेरे गर्दन में चूरा लगाया, वो सब मेरे को पता। और आपने क्यों किया, कैसे किया, क्या जरूरत थी ये मेरे को कुछ पता नहीं, क्योंकि वो तो सांप से जो बात हुई थी तो मन से बात हुई थी, कोई बोल के तो हुई थी नहीं। तो गुरुजी, अब आपने पट्टी वगैरह की, मेरे हाथ पैर खोले वो भी मेरे को पूरा पता है, फिर थोड़ी देर आपने इंतजार किया वो भी मेरे को पता है, फिर आपने प्रेम से मेरे सिर के ऊपर हाथ फेर करके मेरे को बुलाया वो भी पता है, जब से हाथ बांधा उससे अब तक की सारी घटना का मेरे को क्या है पता। मैं आपका शिष्य हूं और मुझे अत्यंत श्रद्धा है आपके प्रति, अटूट विश्वास है, मैं ये विश्वास करता हूं ये मेरा गुरु जिंदगी के अंदर मेरा नुकसान तो कभी क्या कर सकता, नहीं कर सकता, जो भी करेगा मेरा कुछ भी करेगा, अगर गला भी काटेगा वो मेरे हित के लिए करेगा, इसलिए मैं बिल्कुल भी शरीर को क्या किया नहीं लाता। गुरु की आंखों में भी आंसू आए, धन्य है बेटा तेरी श्रद्धा, तेरी भक्ति, तेरे समर्पण, तूने मेरे ऊपर इतना विश्वास रखा, इतना भरोसा रखा, तेरी आत्मा का कल्याण हो तो बहुत जल्दी मोक्ष का अधिकारी बनेगा, बहुत जल्दी परमात्मा का रूप लेगा तू, तेरे इतनी श्रद्धा इतनी भक्ति इतना समर्पण तेरे मन के अंदर है। उन्होंने चेले को अपने गले से लगाया, खूब खूब आशीर्वाद का दिया दिया। नहीं तू पूछेगा नहीं क्यों किया, तू पूछेगा नहीं, अरे वे तू पूछेगा नहीं क्या, क्यों किया, क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ी, तेरे मन के अंदर प्रश्न नहीं पैदा हो रहा। उन्होंने कहा मुझे क्या पूछना, जो आपने किया ठीक किया, आसान है ऐसी श्रद्धा, आसान है ऐसा विश्वास,
आसान है ऐसा समर्पण, आसान है ऐसा सहन करना, ऐसा भरोसा करना। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धा परम दुर्लभ। ये प्राणी श्रद्धा का आना बहुत ही दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। श्रद्धा समर्पण का जीवन की आना बहुत ही दुर्लभ है। बहुत पुण्यशाली भागशाली मोक्षगामी आत्माएं होती हैं, अल्प संसारी होते हैं, जल्दी ही जिन्होंने मोक्ष को जाना होता है उनके मन में ऐसी गहरी श्रद्धा, ऐसा गहरा विश्वास, ऐसा गहरा समर्पण पैदा होता है। वरना किसी के अंदर ऐसा समर्पण, ऐसा विश्वास, ऐसी भक्ति, ऐसा जो श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा जीवन के अंदर क्या कर सकते, नहीं आ सकते। इसलिए तो कहा है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म है लगता प्यारा, प्यारा धर्म है लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, से नगर उपनगर से बहुत सी जगह से बहुत से भाई बहन आए हुए हैं। आए हुए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और संघ की तरफ से सभी आए हुए भाई बहनों के लिए गौतम प्रसाद की 12 घंटे की पूरी व्यवस्था है, सारे दिन की व्यवस्था है। संघ आए उन लोगों की सेवा का खूब आप लोगों ने लाभ लिया। आज तो कोई विशेष रूप से बाहर से आए हुए नहीं है, आप लोग आए, भगवान की वाणी को सुना, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। सुबह से लगातार बारिश चल रही है, झमाझम बरस रहा है, हमने सोचा कौन आएगा वर्षा में, कौन निकलेगा घर से, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हिम्मत करके आए। अब भी बारिश हो रही है, फिर भी आप लोग आए। आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोगों की भक्ति है, आप लोगों का अपनापन है, आप लोगों का प्रेम है, प्यार है। तो जिस सद्भावना से आप लोग लाभ ले रहे हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। फिर मेरठ से हमारे श्रावक जी परिवार सहित आए हुए हैं, गुरुदेव के गुरु नगरी है, वहाँ से आए हुए हैं। जो भी आए हुए भाई बहनों को हमारी तरफ से, साधुओं की तरफ से, संतों की तरफ से, संघ की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। आज का प्रत्याख्यान अगर किसी भी भाई बहन का आज का एकासना हो तो खड़े होकर के एक आसने का पक्षान ले सकते हैं। आज के एक आसने का पक्षान उधर तो सामने आज के व्यासने का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का आज का व्यासना हो इन बहनों का व्यासने का पक्षान। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का आयमिल हो, आप लोगों के आयमिल का प्रत्याख्यान है। हम औरंगाबाद से आए हैं, आयमिल आपके चल रहे हैं, आयमिल का प्रत्याख्यान। तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को आज का उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का उपवास हो, आप लोगों के उपवास है, तपस्या चल रही है, सभी तपस्वियों को बहुत बहुत मंगल कामना है, उपवास का प्रत्याख्यान। तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, इस हफ्ते की सारी तपस्याएं आचार्य आनंद सिंह महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हो रहे हैं, और इस सप्ताह में ध्यान की साधना महिलाओं के लिए, भाइयों के लिए, संघ के लिए आशीष मुनि जी ने रखा है,
तो ये आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूरे सप्ताह ध्यान सप्ताह के रूप में क्या कर रहा है, ये सब सूचना जिसने बनाना है ये आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये सब कार्यक्रम क्या कर रहे हैं, हो रहे हैं। 28 तारीख को दोपहर का जो प्रश्न मंच है, वो प्रश्न मंच जो हमारे वशिष्ठ मुनि जी ने रखा है, और वो भी आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष में रखा है, तो जिन्होंने भी भाग लेना है जरूर अपना नाम लिखवा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने का प्रयत्न करें। रविवार का दिन है, भाग लेंगे, बैठेंगे, प्रश्न उत्तर होगा, जानकारी होगी, कुछ न कुछ ज्ञान बढ़ेगा, उसमें पहले प्रथम नंबर दूसरे नंबर की बात नहीं होती। बैठते हैं तो हमारे को जो ज्ञान होता है ना, वो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या करती है। इसमें बड़े भी बैठ सकते हैं, छोटे भी बैठ सकते हैं, वृद्ध भी बैठ सकते हैं, भाई भी बैठ सकते हैं, बहनें भी बैठ सकती हैं, सभी लोग बैठ सकते हैं, तो वो जो प्रश्न मंच में भाग लेंगे। और 28 तारीख को ही थानक में, अपने जैन स्थानक में जो है एक शिविर रखा गया है, ब्लड डोनेशन शिविर है, चेकअप जो है शरीर का हॉल बॉडी चेकअप का वहाँ पर शिविर है, एक्यूप्रेशर का शिविर है, एक्यूपंक्चर का शिविर है, वो जो थानक के अंदर दो सुबह से लेकर के शाम तक जो 10 बजे के करीब से लेकर के शाम तक का जो है वो शिविर का कार्यक्रम है, 10:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक लगातार उस शिविर का कार्यक्रम रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम वहाँ पर आएगी, जिन्होंने ब्लड डोनेशन वगैरह करना हो, जिन्होंने शरीर का चेकअप वगैरह करवाना हो, शरीर के किसी भी प्रकार का टेस्ट वगैरह करवाना हो, तो आप लोग थानक भवन के अंदर जाकर के अपना जो थानक है 9 सेक्टर के अंदर वहाँ जाकर के दिन भर में कभी भी उसका लाभ क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये सारे कार्यक्रम 1 तारीख को जो जन्म जयंती आचार्य भगवान की, उनके जो जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम क्या कर रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। तो आचार्य भगवान की सबके ऊपर कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बनी रहे। आप लोग दिन दुनी रात चौगुनी आगे से आगे बढ़े, धर्म ध्यान करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ऐसी हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक सद्भावनाएं हैं। सूचनाएं भी हो गए, समाचार भी हो गए, खड़े होकर के आप लोग मंगल पाठ का लाभ ले सकते हैं।
देखो तो आया ही न गया ही न करे भी वंदा में राम स्वामी सकारे में संहारे मंगल देव श्रेय वजवासन देखो तो आया ही न गया ही न करे भी वंदा सम्मान में कल्याण मंगलम।